एक दिसंबर का दिन संपूर्ण विश्व में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका अब तक संपूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीमारी को रोकने हेतु जन जागृति अभियान के माध्यम से जनता में सर्वहित किया जा रहा है। रोकथाम के संदर्भ से ही इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में 1 दिसंबर के सुबह 10:30 बजे राजकमल चौक स्थित अमरावती जिला सामान्य अस्पताल एवं संयम बहुउद्देश्य संस्था अमरावती के संयुक्त तत्वावधान से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे एवं डॉक्टर संदीप दानखटे, साथ ही संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अमर तिलमारे ने मिलकर की। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने आकर राजकमल चौक स्थित जागृति फलक पर अपने हस्ताक्षर किए कि मैं भी इस अभियान में शामिल हूँ, और उसके बाद में संस्था की ओर से विविध प्रकार के जो सूचना फलक दर्शाए गए थे उसकी जांच की, और संस्था के माध्यम से एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था जहां पर सामान्य नागरिक भी सेल्फी खिंचाते हुए नजर आए। इस सेल्फी के माध्यम से जनता में ये जागरूकता लाई जा रही थी कि मैं भी एड्स से मुक्त हूँ और मैं इस एड्स मुक्त अभियान का हिस्सा हूँ, और उसी समय डॉक्टर श्याम सुंदर निकम भी सेल्फी खिंचाते हुए नजर आए। राजकमल चौक स्थित एक भव्य रंगोली निकाली गई थी। इस रंगोली का मुख्य उद्देश्य था कि आने जाने वाले क्षेत्र के नागरिकों को ये संदेश दिया जाए कि एड्स के बाबत जो गलतफहमियां जनता में निर्माण हो चुकी है उसे वो दूर हो सके, और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम से उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस संदर्भ में संयम बहुउद्देशीय संस्था के अनेक कार्यकर्ताओं ने मिलकर भव्य रंगोली निकाली। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने इस संदर्भ में दी अधिक जानकारी। जागतिक एड्स दिन म्हणून साजरा करतो आणि या दिवसापासून पूर्ण पंधरवाडा एड्सच्या जनजागृतीसाठी आपण कार्यक्रम घेत असतो। त्यानिमित्तानं आज या ठिकाणी आपण रांगोळी स्पर्धा तसेच सिग्नेचरचा एक आपण एक बूथ या ठिकाणी केलेला आहे। त्या ठिकाणी या क्षेत्रात काम करणारे आमचे सर्व NGOs त्या ठिकाणी सहभाग घेत आहेत। यानंतर पूर्ण आठवडाभर 15 दिवस आपण या आजाराविषयी जनजागृती करणार आहोत। मला एक सांगावंसं वाटतं की जो आजार अगोदर आपण समजत होतो की कमी शिकलेले किंवा संत्रा तोडीवर ऊस तोडीवर काम करणारे मजुरांमध्येच आहे, त्यांना ती संकल्पना जरा बदललेली आहे। यामध्ये एक सुशिक्षित वर्गसुद्धा, यामध्ये बरेचसे आमचे विद्यार्थी आहेत, ही एक धोकादायक धोक्याची घंटा आहे आणि त्या दृष्टीनं या आजाराचं जनजागृती करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्यासाठी आपण सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं आणि या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो। करीब 3 घंटे की कडी मेहनत मुशक्कत के बाद संयम बहुउद्देशीय संस्था अमरावती के संस्थापक अध्यक्ष एवं अनेक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस रंगोली को अंतिम स्वरूप दिया, और अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे से भी हमने जानी विश्व एड्स दिन निमित्त उनकी प्रतिक्रिया। जागतिक एड्स दिनानिमित्त आज या ठिकाणी संयम बहुउद्देशीय संस्था, जिल्हा एड्स प्रतिबंध नियंत्रण कक्ष, जिल्हा सामान्य अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य रंगोली सोबतच सेल्फी पॉइंट, मिरर इमेज आणि स्वाक्षरी अभियान हे या ठिकाणी राबवण्यात येत आहे। आजच्या या कार्यक्रमापासून पंधरवाड्याचं हे उद्घाटन झालं आणि आजपासून 15 दिवसपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम राबविला जाणार आहे। त्यामध्ये विशेष म्हणजे 3 तारखेला भव्य रॅलीचं आयोजन जिल्हा सामान्य रुग्णालय इथून करण्यात येणार आहे। या रॅलीचं यावर्षीचं वैशिष्ट्य असं आहे की एक भव्य मोठी अशी रेड रिबन आपण या रॅलीमध्ये यावर्षी करणार आहोत। तरी माझी सर्व शहरवासियांना विनंती आहे की त्यांनी या रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवा। गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून अमरावती शहरामध्ये शहराबाहेर सुद्धा एड्स जनजागृती व मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम राबवित आहोत। आमच्या सर्व अमरावतीकरांना आणि आपण सुद्धा या जनजागृती कार्यक्रमात आमचे सहभागी व्हावे, जेणेकरून आपण समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू शकू आणि ह्या जीवघेण्या आजारापासून जास्तीत जास्त लोकांना आपण दूर ठेवू शकू। इस समय बहुवे नागरिक भी यहाँ पर नजर आए।
नागरिकों द्वारा सूचना फलक पर अपने हस्ताक्षर करते हुए वो देखे गए और साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी सेल्फी पॉइंट पर जाकर अपनी तस्वीर खिंचाई। करीब ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे तक चला और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक नागरिकों में एड्स के बाबत जन जागृति की गई। इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन अमरावती जिला सामान्य अस्पताल एवं संयम बहुद्देशीय संस्था अमरावती के ओर से किया गया था। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अमूल तिलमारे के साथ में पूर्णा तिलमारे, राहुल परोलकर, पवन भट्ट, विक्की आठवले, धीरज कुरेकर, नितेश मंगलूकर, सुरड्ढो के रानी मेशराम, विशाल तिलमारे, योगेश नागदेवते, स्नेहल वानकड़े, परनीता नंदागौड़ी, प्रज्ञा भट्ट, आशुतोष सिरसाट, अनूप लंगड़े, आनंद टाले, मुकेश वानकड़े, पूजा राउत एवं संस्था के भव्य कार्यकर्ता, साथ ही अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के अनेक कार्यकर्ता राजकमल चौक स्थित नजर आए। विश्व एड्स दिन की जन जागृति अभियान कार्यक्रम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच चलाया जाएगा और यह कार्यक्रम अमरावती क्षेत्र विविध स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। आने वाले 3 दिसंबर को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल से एक भव्य जन जागृति रैली का आयोजन किया गया है। समस्त जनता से आह्वान किया जाता है कि इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्शाए और जनता के हित में एड्स के बाबत जन जागृति का हिस्सा बनकर अपना महत्वपूर्ण योगदान करे। विदर्भ न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पू ठाकुर के साथ में मोहम्मद शोएबुद्दीन।